बाहर डालो, मुझे नहीं जीना। मुझे, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ उसी का किया हुआ है। मेंटल असाइलम में भर्ती हुआ दिनेश जोर से चिल्ला रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा, ये सब कुछ उसी का किया हुआ है। मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया, मुझे भी मार देती। वैसे भी तो हर वक्त मेरे आसपास घूमकर मुझे मरे के समान कर रखा है। मार डालो मुझे, नहीं जीना मुझे। अपने परिवार से दूर रहकर ये जीना भी कोई जीना है। पूरे हॉस्पिटल में दिनेश की चीख गूंज रही थी। नर्स और वार्ड बॉय उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। अचानक से चीखते हुए वो बेहोश हो गया। लगता है इंजेक्शन का असर हो गया है, अब कुछ देर खामोश पड़ा रहेगा। जब से असाइलम में आया है चीख चीख कर पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लिया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था इसके साथ जो ये इस कंडीशन में पहुंच गया? पागलों का क्या है, ना जाने किस बात पर सनक गया और पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ पर आकर हम लोगों की जान के पीछे पड़ा है। नर्स और वार्ड बॉय की सारी बातें डॉक्टर सुन रहे थे। केवल बातें ही हो रही है या कुछ काम भी हो रहा है? एनी प्रोग्रेस इन दिस केस? सॉरी सर, कोई प्रोग्रेस नहीं है। सिर्फ एक ही बात पर शोर मचाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे भी मार दो। अभी थोड़ी देर पहले बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, उसका असर है 6-7 घंटे में होश आ जाएगा। स्ट्रेंज, इसे होश आए तब मुझे खबर करना। नर्स वहीं उसके करीब उसके होश आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसे होश आया उसने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर उसके पास पहुंचा। हेलो मिस्टर दिनेश, कैसे हैं? अब कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे परिवार के पास मुझे भेज दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। वही तो हम जानना चाहते हैं, आपका परिवार कहाँ है? सब कुछ खत्म हो गया, उसने सब कुछ छीन लिया। कोई नहीं बचेगा उसके चंगुल से, कोई नहीं बच पाएगा। कौन है, किसके चंगुल से कोई नहीं बच पाएगा? दिनेश ने अपने मुंह पर उंगली रखी और डॉक्टर को चुप रहने का इशारा किया, फिर धीरे से उसके कान के करीब जाकर बोला, परछाई, एक काली परछाई जो हर वक्त मेरे परिवार वालों के जाने के बाद मेरा पीछा कर रही है, ना जाने मुझे चैन से जीने नहीं देती है और ना ही मरने हैं। क्या तुम उसे यहाँ भी देख पा रहे हो? हाँ, कहा ना, वो हर वक्त मेरे आसपास ही रहती है, उसी के कारण तो मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। उस परछाई ने तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया, मगर कैसे, उस दिन क्या हुआ था, जरा डिटेल में बताओ। डॉक्टर के कहने पर दिनेश कुछ बताने ही वाला था कि उसकी निगाह उस परछाई पर पड़ी जो डॉक्टर के ठीक पीछे खड़ी थी। वह मुस्कुराते हुए दिनेश की ओर देख रही थी। उस परछाई की मुस्कुराहट को देखकर दिनेश का चेहरा एकदम सफेद हो गया, उसके सर पर गहरी रेखाएं आ गई, मानो उसे कोई बड़ी चिंता हो। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़कर डॉक्टर के करीब जाकर बोला, इस परछाई ने मार दिया सबको, इस परछाई ने मार दिया सबको। सबको मार दिया और तुम्हें जिंदा छोड़ दिया? वही तो समझ में नहीं आ रहा, उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? साफ साफ बताओ उस दिन क्या हुआ था। दिनेश की आंखों में उस दिन का मंजर याद करके आंसू आ गए। वह बोलने लगा, मुझे एंटीक कलेक्ट करने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन एक एंटीक बॉक्स लेकर अपने घर पहुंचा। बॉक्स पर बहुत सुंदर पेंटिंग की हुई थी। उस लड़की के बॉक्स पर छोटा सा ताला लगा था जिसकी चाबी उसके दुकानदार के पास भी नहीं थी। मैंने तो शोपीस में रखने के लिए उस बॉक्स को खरीदा था। मेरी पत्नी प्रिया को भी वह बॉक्स बहुत पसंद आया। बेटी रक्षा और बेटा दक्ष उसके आसपास मंडरा रहे थे। दक्ष मेरे करीब आकर बोला, पापा इसकी चाबी कहाँ है, इसके अंदर क्या है? उसकी बाल सुलभ जिज्ञासा को और बढ़ाने के लिए मैंने मजाक में कह दिया, बेटा इसके अंदर हमारे काम का सामान है। वो और ध्यान से उस बॉक्स को देख रहा था। रात बहुत हो चुकी थी, मैं और मेरी पत्नी दोनों अपने कमरे में सो रहे थे, मगर दोनों बच्चों को खुरापात के कारण नींद नहीं आई। हम दोनों के सोते ही उन्होंने उस बॉक्स का ताला तोड़ दिया। सर, मुझे पता नहीं था कि मैं उस बॉक्स के रूप में अपने परिवार की मौत अपने घर लेकर जा रहा हूँ।
जैसे ही बॉक्स खुला उसके अंदर से काला साया आजाद होकर बाहर निकला, जिसे देखकर मेरे बच्चों की चीख निकल गई। उन लोगों की चीख सुनकर हम पति पत्नी जब हॉल में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा खुद अपने आप को नोच कर खुद का खून पी रहा था और बेटी छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ी हुई थी। उनको इस हाल में देखकर मेरी और मेरी पत्नी की चीख निकल गई। मैं डर के मारे थर थर कांप रहा था कि अचानक मुझे किसी की मदद लेने का ख्याल आया। मैंने जैसे ही फोन अपने हाथ में लिया अपने दोस्त को कॉल लगाया। उसका फोन मेरे बेडरूम में बज रहा था। वहां जाकर देखा तो वो मर चुका था और वो साया उसके शरीर से उसका खून चूस रहा था। मुझे नहीं पता मेरा दोस्त घर में कैसे आया। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आया बेटी की लाश पड़ी थी जिसका सर धड़ से अलग था। पत्नी उसकी लाश के पास बैठी थी और उसके सर से उसका भेजा निकाल कर खा रही थी। पत्नी को उस रूप में देखकर बेटी की ओर देखा तो बेटी शांत भाव से उसकी ओर एकटक देखे जा रही थी। मैं बेटी को लेकर घर से बाहर भागने लगा। जैसे ही कार शुरू की तो देखा कार की बैक सीट पर पत्नी बैठी हुई थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी। बड़े बड़े नाखूनों से उसने जैसे ही मेरी बेटी पर हमला किया। मैं उसे लेकर कार से बाहर उतर गया। मेरी बेटी यह सब कुछ देखकर बेहोश हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अचानक एक काली परछाई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मेरे पैरों से लिपट गई। उसकी डर के कारण मेरी बेटी मेरे हाथ से छूट गई। तभी मेरी पत्नी आई और बेटी को गोद में उठा लिया। मैं कुछ कर पाता उसके पहले उसने मेरी बेटी को दूर से जमीन पर पटक दिया। सर फटने के कारण उसकी वही मौत हो गई। पत्नी मेरी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं उससे जितना दूर जाने की कोशिश कर रहा था वो उतना ही मेरे करीब आए जा रही थी। उसके हाथ में एक चाकू था। मुझे लगा अब मेरी बारी है। मैं धीरे धीरे पीछे हट रहा था मगर मैं गलत सोच रहा था। मेरी पत्नी ने खुद को ही मार दिया। मैं वही पागलों की तरह जोरों से चिल्ला रहा था कि तभी बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए और परछाई चली गई। मगर अब यहाँ अकेले में मुझे मारने आई है। मुझे मार दे, मुझे कोई गम नहीं, मगर हर वक्त मुझे डराती रहती है। सर मुझे बचा लो डॉक्टर साहब, कहते हुए दिनेश बेहोश हो गया। उसके होश आने पर डॉक्टर ने उसे एक और इंजेक्शन दिया और कमरे से बाहर आ गए। इंस्पेक्टर साहब डॉक्टर के बाहर आने का ही वेट कर रहे थे। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, ये कितना सच बोल रहा है? अपने पूरे परिवार को इसने मारा है या फिर कोई और बात है? अपनी जिंदगी में ऐसे कई सारे केस सॉल्व किए हैं। वैसे भी सारे मौजूद लोग और सारे सबूत सब कुछ इसके खिलाफ है। शायद घर पर मौजूद दोस्त के साथ पत्नी का कोई अवैध रिश्ता होगा, उसी के चलते उसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। केवल खुद को बचाने के लिए पागल होने का नाटक कर रहा है ये। आप इसके खिलाफ FIR दर्ज कर लीजिए, अपना केस ओपन कीजिए। अपने परिवार का कातिल ये खुद है। नर्स, जब इसे होश आ जाए तो बुला लीजिएगा। जब दिनेश को दोबारा होश आया तो डॉक्टर उसके कमरे में पहुंचा और बोला, देखिए मिस्टर दिनेश, आपकी सारी जांच रिपोर्ट नॉर्मल है। आप कानून को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपने ही अपने परिवार की हत्या की है जिसकी सजा आपको मिल रही थी। कल आपको मेंटल असाइलम से छुट्टी मिल जाएगी। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे कोई व्यक्ति अपने परिवार को क्यों मारेगा? अचानक डॉक्टर की परछाई में परिवर्तन होने लगा। परछाई का चेहरा भयानक हो रहा था, जिसे देखकर दिनेश पीछे हट गया। डॉक्टर साहब, अब आपके परिवार की बारी है, बचा लीजिए अपने परिवार को, बचा लीजिए। कहता हुआ दिनेश मेंटल असाइलम के टॉप फ्लोर से नीचे कूद गया। डॉक्टर और इंस्पेक्टर ने उस केस को बंद कर दिया।
डॉक्टर जब अपने घर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान हो गए थे। उनकी पत्नी दीवारों पर छिपकली की तरह चल रही थी और बेटा अपनी दादी के हाथों को नोच कर खा रहा था। सावधान रहे, आपके आसपास तो कहीं कोई परछाई नहीं।